धनदात्री माँ लक्ष्मी आगमन को नहीं चलचंचल ढेंकानाल सहर माँ आगमन को आउ दिन कईटा बाकी सहर रे तोरण लाइट सजा सांग को माँ मृणमयी मूर्ति तैयारी काम चूड़ांत पर्यायर पहुंची आसंता 13 तारिखर माँ लक्ष्मी पूजा आरंभ हो 24 तारिख पर्यंत चलो पूजा श्रद्धालु भिड़ को दृष्टि रखी प्रशासन पक्ष व्यापक व्यवस्था कर दिन तीन टाइम रहा ढेंकानाल प्रसिद्ध गजलक्ष्मी पूजापाई एवं चलचंचल हो उठला ढेंकानाल सहर प्रति जो रही पूजा अनुष्ठान रही पूजा मंडप कथा कह तोरण कम हो लाइट साजसजा मृणमयी देवी माँ लक्ष्मी मूर्ति कम हो बर्तमान शेष पर्यायर पहुंची सीधा साल कि प्रथम देखा भिजुआल देखा बर्तमान आम अच्छु गणेश बजार जो रही पूजा मंडप निकट अच्छू आम निकट अच्छा विभिन्न पूजा कमिटी सदस्य मैंने रही जनसाधारण रही प्रतिक्रिया नवा ये हूँ गणेश बजार से जो रही गेट कम रही निश्चित भाव में गोटे सुउच्च तोरण करसंगक पूजा मंडप कथा जदि कह तेब से प्रस्तुति बर्तमान चूड़ा पर्यायर पहुंची और धनदात्री माँ लक्ष्मी को जो रही मूर्ति कम रही शेष पर्यायर पहुंची केवल शेष स्पर्श देवा बाकी रही कारीगर द्वारा प्रतिक्रिया नवा बर्तमान आम सहित अच्छा मिलित बजार पूजा कमिटर जी रही सभापति रही सर आपको स्वागत करुच्ची न्यूज 18 ओडिया को कौन कहे बर्तमान जेहेतु माँ को आगमन आ मात्र 3 दिन हाथ रही तो से बर्तमान प्रस्तुति कौ पर्यायर पहुँचल न्यूज 18 को आम ढेंकानाळवासी स्वागत करुचु आउ ढेंकानाळर माहौल बर्तमान जो पूजा रही लक्ष्मी पूजा माँ लक्ष्मी आगमन निश्चिंत भाव उत्सव मुखर हो उठ 38 पूजा मंडप को नहीं ढेंकानाळर जो अच्छी महालक्ष्मी पूजा आरंभ होगा जाऊँगी आउ 2 दिन रहा मात्र 13 तारिख रु माँ लक्ष्मी पूजा आरंभ हो 24 तारिख दिन भसाणी कर तेणु वर्तमान शेष पर्यायर पहुँची समस्त प्रस्तुति कार्यक्रम लाइट गेट देखु जो गुड़िक आर्टिस्टिकल गेट देखु मूर्ति देखु सबुगुड़िक प्राय शेष पर्यायर पहुँचला चलित बर्ष निश्चित आलोक सजा टू आरंभ कर समस्त प्रकार उत्सव मुखर हो उठ निसंदेह जानवाक चाहिए गणेश बजार एथर कौन रही स्पेशलीट कौन रही है जो तोरण आम देखुचे तोरण क्यों कारीगर मैंने या मूर्ति चांदी बा रूपा कौन रही आमे जो मेढ़ रही आमर चांदी मेढ़ रही गणेश बजार तो 2 क्विंटल 70 kg ओजन चांदी मेढ़ रही जो सुना अलंकार भी रही प्राय 1 kg ओजन सुना अलंकार रही चलित वर्ष आम जो गेट टी कर गणेश बजार तो कलिकता कारीगर मैंने एक जो मूर्ति जो करा जो गेट टी ये गोटे आर्टिस्टिकल गेट हेले ये गोटे हूँ प्रकृति मित्र जोटी की आमे केमती जो घास पारे एवं किभली सुंदर सजा जाई पारे तेणु आपको आम गोटे मेसेज आकार समाज को दौचु प्रकृति मित्र हिसाब से मेन कथा कह माने लोकों मनरे गोटे उत्तेजना आरंभ हो गला लक्ष्मी पूजा आसीगला आम बुलू आम ये करूँ गहली भी लगे विभिन्न बजार मानक कारुकर्ज लगि पड़ती चंचलता मनरे पलि गोटे आनंद लगुच गोटे उत्साह मनरे आसीगला निश्चित भाव में 12 दिन धरी लक्ष्मी पूजा हे भाई तो निश्चित भाव में ये ढेंकानाल गोटे भाईचारार सहर ये जो गणपर्व भाव में लक्ष्मी पूजा को गोटे प्रकार मान्यता दि जाए केमती कौन देखुं केते एथर पूजा को अनुभव करेंगे पूरा खुशी सहित बहुत खुशी हे लोक मैंने बाहर बेपारी मैंने आसिकी सब गुपचुपू दहबरा ठू ये बाहर बेपारी लोकाल बेपारी समस्ते आसिकर बेपार उत्सव आरंभ करने को प्रतिक्रिया आरंभ कले एवं से मानकर लक्ष्मी पूजा बुलिकी लोकंर गुपचुप एवं ये दहबरा जबत जिनस खिया पिंठ किणा बिका ठू लोक मानकर गोटे मनरे भी उत्साह रही हाँ ये लक्ष्मी पूजा को गले जिनस किण ये करिया से करिया ये सब उत्साह सब बजार पूजा कमिटी मानकर प्राय कम 90% सरी आसला बहुत आउ 2 दिन भितर सब रेडी निश्चिंत भाव जेहतु 13 तारीख में लक्ष्मी पूजा हेब से बर्तमान प्रस्तुति एकदम चूड़ा पर्यायर पहुंची सारे केवल अपेक्षा रही माँ आगमन को कांचन बजार पूजा कमिटर आप जे अच्छा सदस्य भाव में तो कमी कौन सब देखुं बर्तमान केवल माँ को आगमन को अपेक्षा रही बर्तमान समस्त मन गोटे खुशी उन्मादन सृष्टि जेहेतु आम गजलक्ष्मी पूजा सारा भारत ओडिशा रे मध्ये फेमस गोटे पर्व तेणी समस्त मन सुनिया दिन ठूँ आरंभ हो जाए ये जो भाईचारा पर्व ये समस्त धर्मावलंबी लोक पालन कर गजलक्ष्मी पूजा को आम आशा कर प्रबल भिड़ हम विशेषकर गोटे लोकर जो पॉलिसी बर्तमान मेला कटुकी बर्तमान सरस मेला हो
ସେଠି 700 ସ୍ଥଳ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ଗୋଟେ ବାଲିଯାତ୍ରା, କଟର ବାଲିଯାତ୍ରା ଭଳିଆ ଭିଡ଼ ହେବ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦଶହରା କାଲି ଯାଇଛି, ଭସାଣି ଯାଇଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା। ଆଉ 13 ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା, ଗୋଟେ ମନରେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧା, ନୂଆ ବୁଲିବା, ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ଢେଙ୍କାନାଳ ମାର୍କେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଭୁଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ମନରେ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ଆଣ 11 ଦିନ ଯାକ ପାଳନ କରିବା, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଭାଇଚାରା ପର୍ବଟା ଆମ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ତେଣୁ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀମାନେ ଭାଇଚାରାର ଢେଙ୍କାନାଳ, ତେଣୁ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଯେତେ ବେପାରୀ ଭାଇ ଆସିବେ ତା କେମିତି ସୁବିଧାରେ ବେପାର କରିବେ ଯିବେ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜନ ବି ଏ ବର୍ଷ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଆଉ କେମିତି ଭଲରେ ପାଳନ ହେବ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ବି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମାତ୍ର 2 ଦିନ ରହିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ 2 ଦିନ ବଢ଼ାଯାଇଛି, ତେଣୁ କେମିତି 24 ତାରିଖ ଦିନ ଭସାଣି ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସୁକତା ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ବ ଗଣପର୍ବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବେଶ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ତାକୁ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସମାପନ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସୁକତା ଉଠେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟିର ରହିଥିଲେ ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ମାତ୍ର ହାତରେ ଆଉ 3 ଦିନ ସମୟ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ରହିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆଶିଷ ରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।